हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, या पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें तो यस, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आया था दोस्तों कि अगर आप शेयर बाजार में बिल्कुल नए हो, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पहले से ही पता होने चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, ज़रूर इस वीडियो को भी स्टडी कर लेना। तो चले फटाफट अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार कैसे चलेगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही बातचीत होने वाली। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि बाजार को रॉकेट बना सकते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि बाजार को तोड़ सकते हैं, नीचे ले ला सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होने वाली। बट एज यूजल दो फॉर्मेलिटीज करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेलिटी रहेगी कि क्या बाजार पूरे 5 दिन चलेगा। तो यस, इस मंथ की अगर हम लोग बात करें, जनवरी मंथ की बात करें, तो एक ही छुट्टी है, वो है 26 जनवरी को। सो ये हफ्ते में तो 26 जनवरी है नहीं, मतलब पूरे 5 में से 5 दिन बाजार में हम लोग को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलने वाली है। गुड। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो बाजार का माहौल क्या कहलाता है। सो बाजार के अगर हम लोग माहौल की बात करें, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन जो रहे हैं, हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ बाजार वहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। बीच में तेज़ी भी देखने को मिली, आप चेक कर सकते हो पिछले हफ्ते, एंड उसके बाद गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी देखने को मिली, फिर थोड़ी गिरावट, एंड एग्जैक्टली बाजार जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिला। मतलब पिछला हफ्ता पूरा टाइम पास होते हुए देखने को मिला, आप ऐसा भी कह सकते हो। मतलब कितना, केवल 10 पॉइंट या फिर 11 पॉइंट मार्केट हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को आप मिला नेट की अगर हम लोग बात करें तो। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे, इस हफ्ते में दोस्तों देखा गया तो काफ़ी बड़े एक्शंस हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले, जो कि इंडेक्स लेवल पे इंपैक्ट करवा सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन का डेटा आप सभी लोगों को पता ही है, सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभी भी ये बना हुआ है। जितना कम इन्फ्लेशन होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन यहाँ पे डाउन 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 होते चला जाएगा, यस, इंटरेस्ट रेट कट से रिलेटेड हमारी उम्मीदें यहाँ पे लगातार बढ़ती रहेगी। सो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को जरूर पता यहाँ पे होने चाहिए। इन्फ्लेशन के डेटा की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, हमारा इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे रिलीज होने वाला है। यस, हमारे मतलब भारत देश के इन्फ्लेशन के डेटा की अगर मैं बात करूँ, दिसंबर मंथ का डेटा सामने आ जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे क्वार्टर का भी डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर का डेटा ऑलरेडी आ चुका है, दिसंबर का आ जाएगा, तो चलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डेटा मिल गया तो एंटायर क्वार्टर 3 का इन्फ्लेशन का डेटा कैसे रहा उसको हम लोग RBI के साथ कंपेयर करके यहाँ पे देख लेंगे। सो इसीलिए इस वक्त का जो इन्फ्लेशन का डेटा रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड बात सिर्फ यही तक नहीं है दोस्तों, उसी के साथ साथ अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली इन दोनों इन्फ्लेशन के डेटा के चलते हम लोगों को बाजार में हलचले होते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगी। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो प्रीवियस हमारा इन्फ्लेशन का जो डेटा था 5.70 एक्सपेक्ट किया गया था, एक्चुअल में कितना आया, 5.55 आया। काफ़ी 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 इंप्रेसिव नंबर आया था हमारा इन्फ्लेशन का। किसकी बात हो रही है, हमारे इन्फ्लेशन के डेटा की बात हो रही है। और अमेरिका के इन्फ्लेशन के डेटा की बात करें तो 3.1 आया, एक्सपेक्ट कितना था 3.1। सो जितना सोचा था उतना ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये दोनों डेटा अगर देखा गया तो काफ़ी अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है। फ्लैट भी आ गया तो भी चलेगा, डाउन आ गया तो वेल एंड गुड। हाँ, ऊपर नहीं जाना चाहिए वरना अननेसेसरली चर्चाएं स्टार्ट हो जाएगी, अरे रेट कट यहाँ पे पोस्टपोन होगा करके। देखिए, रेट कट तो होने वाला है, ये तो पत्थर के ऊपर की लकीर है, सिर्फ एक ही मैटर है कब होने वाला है, दैट्स इट। ये अभी इसी की चर्चा रहेगी। सो इन्फ्लेशन का डेटा खास करके देखिए, हमें अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा कितना भी अच्छा आ जाए, चांसेस बहुत कम है कि RBI अमेरिका से पहले रेट कट का अनाउंसमेंट कर दे, ठीक है। मिसमैच अगर कुछ हो गया तो हमारा रुपी वीक हो सकता है, तो इसलिए हर कोई इंतजार करता है कि भाई फेडरल रिजर्व कब यहाँ पे रेट कट कर दे, फिर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने रेट्स गिराना स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। तो इसलिए अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा ज़्यादा खास करके फोकस में रहेगा। अगर वो इन्फ्लेशन का डेटा डाउन होना स्टार्ट हो गया तो फिर चर्चाएं तो ऐसी भी हो जाएगी कि भाई अभी जो FOMC की बैठक होगी, क्या पता उसी में रेट कट कर दे, जल्दबाजी होगी इतना जल्दी रेट कट करना करके। बट फिर भी दुनिया तो ऐसे ही चलती है दोस्तों, वो बोलते हैं ना उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, तो ये चीज़ें इफ बट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हकीकत में डेटा क्या निकल कर आएगा उस हिसाब से बाजार रिएक्ट करते हुए देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। सो जरूर ये एक मज़ेदार चीज़ हम लोग को इसी हफ्ते को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो Q3 के रिजल्ट तो स्टार्ट हो चुके हैं, बट असली Q3 के रिजल्ट की मतलब जो शुरुआत रहेगी उसका जो फील रहेगा वो इस हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बिकॉज अगर हम लोग बात करें, बड़े बड़े दिग्गज कंपनी, इंडेक्स लेवल की कंपनी TCS के नंबर आने वाले हैं, इन्फोसिस के नंबर भी उसी दिन आने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो विप्रो के नंबर आने वाले हैं, HCL टेक के नंबर आने वाले हैं। मतलब क्या है दोस्तों, दिग्गज कंपनियां जो कि IT सेक्टर से बिलोंग करती है, एंड IT सेक्टर भी आप सभी लोगों को पता है फाइनेंस सर्विसेज के बाद हमारे निफ्टी को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हीं की ओर से जाते हुए देखने को मिल जाता है। सो इन कंपनीज के नंबर
क्या करेंगे, हमारे निफ्टी 50 के ऊपर भी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग को आते हुए देखने को आप मिलेगा। सो अभी इनके नंबर कैसे आते हैं, अच्छे आते हैं बुरे आते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। एंड प्लस इनकी कमेंट्री क्या रहती है वो भी एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी, क्योंकि फेड ने जो बात बोली है रेट कट से रिलेटेड, एक अनुमान उन्होंने दिया था 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है, मतलब 3 बार रेट कट हो सकता है। तो इससे रिलेटेड क्या कोई आईटी कंपनियां अपना अनुमान चेंज करेगी, क्या कोई अच्छा पॉजिटिव कमेंट्री देगी, ये एक थोड़ा सा मतलब देखने वाली बात यहाँ पे होगी। ठीक है, अगेन कहना चाहूंगा ये थोड़ा सा जल्दबाजी जरूर हो सकता है ऐसे माहौल के चलते कॉमेंट्री देना करके, बट फिर भी एक चीज़ ये देखने वाली तो बात यहाँ पे जरूर बनती है। सो डेफिनेटली और भी बड़े बड़े कंपनी के नंबर इसी हफ्ते देखने को मिलने वाले हैं, बट यस शुरुआत तो हम लोगों को इन्हीं कंपनीज की ओर से होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद तो जैसे नंबर स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे फिर नंबरों की तो बारिश ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर उसका उसके बाद रुकना ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो भारत सरकार, यस जैसे जैसे हम लोग को इलेक्शन का पीरियड नजदीक आते हुए देखने को मिल रहा है, सरकार अलग अलग डिसीजंस लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो उसके हिसाब से सरकार के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, उनके डिसीजंस के ऊपर फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 11 तारीख आप सभी लोगों को बताएं काफी इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज 11 तारीख की बात करें तो जैसे कि आपको बताएं बैंक्स आरबीआई बहुत सारे हेड्स की हम लोग को मीटिंग होते हुए देखने को मिले अलॉन्ग विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके पीछे का रीजन क्या है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, हाँ कि रिन्यूएबल सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है तो इस सेक्टर में फाइनेंस आना अलाउड होना चाहिए। तो फाइनेंस वाली कंपनी भी रेडी है, उन्होंने बस इतना ही कहा कि भाई हम लोगों का प्रोविजन कम करके दे दो, परसेंटेज कम करके दे दो, हम भी इस चीज़ के लिए रेडी है। तो ये होगा नहीं होगा वो 11 तारीख को पता चलेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे इवेंट इस हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो उसी के ऊपर आप लोगों की निगाह यहाँ पे ज़रूर रहनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो IIP का डेटा भी हम लोग को इसी हफ्ते रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। डेफिनेटली इस डेटा के ऊपर मार्केट का रिएक्शन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज जो अभी का मेजर जैसे मैंने कहा कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला कौन सा पॉइंट है, इन्फ्लेशन का ही डेटा देखने को आप मिल रहा है। बट स्टिल ये जो इंडिया का हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जो रहता है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ पे जरूर देंगे कि कैसा निकल कर आता है करके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि इस हफ्ते हम लोग को जरूर देखने को आप मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एज यूजल दोस्तों FISDIS का डेटा, सो थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन देखने को आप मिल रहा है। ठीक है, एंड इन्फ्लेशन का डेटा के चलते हम लोग को वापस FIS की ओर वापस फोकस रखना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन का डेटा कूल होते हुए देखने को मिलेगा देन माइट भी यहाँ पे हम लोग को FIS की ओर से इन्फ्लुएंस बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो जरूर हम कह सकते हैं कि DIS की ओर से थोड़ी सी बिकवाली होते हुए देखने को मिल रही है, FIS की ओर से बाइंग तो हो रही है बट ओके टाइप की बाइंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जैसे रेट कट से रिलेटेड कोई भी हिंट मिल जाता है FIS का इन्फ्लो हमारे मार्केट में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो डॉलर टू INR, तो अभी तो हमारा रुपी तो भाई वीक ही हो चुका है, 83 का तो लेवल तो अभी मतलब सपोर्ट ही बन चुका है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, अभी इस साल में अभी रिपोर्ट्स निकलेंगे कि हमारा रुपी कितना वीक हो सकता है अगेंस्ट द US डॉलर। ठीक है, लास्ट टाइम की रिपोर्ट थी 83 टच करेगा साल खत्म होते होते, बट साल खत्म होने के पहले ही 2 महीने पहले ही 83 को कट करके हम लोग मतलब ऑलरेडी नीचे यहाँ पे गिर चुके थे। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस वक्त की भी रिपोर्ट देखने वाली रहेगी कि हमारा रुपी क्या है, इस वक्त भी वीक होने से रिलेटेड ही रिपोर्ट आएगी एंड ये साल खत्म होते होते मतलब 2024 खत्म होते होते हमारा जो रुपी रहेगा वो कितना यहाँ पे डाउनफॉल हो सकता है, डिप्रिशिएट हो सकता है अगेंस्ट द US डॉलर, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो गोल्ड लगातार यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, करीब 65,000 के जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हमेशा गोल्ड में आप लोगों को फायदा ही होते हुए देखने को मिलेगा, कभी भी अगर गिरावट हुई तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती है, एक्युमुलेट करके लॉन्ग टर्म में यहाँ पे होल्ड करने की जरूरत यहाँ पे होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस क्रूड ऑयल में देखा गया दोस्तों तो काफ़ी सारा सीसॉ वाला हम लोग को सिनेरियो देखने को मिला है। जो रेड सी में हम लोग को अलग अलग चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी उसका हम लोग को इम्पैक्ट आज भी क्रूड के ऊपर पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अभी आप देख सकते हो कि कल के दिन भी एक खबर देखने को मिली थी इसी चीज़ के चलते, क्रूड में हम लोग को सडनली 1.5 से 2.25% की तेज़ी देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को लगातार होते हुए देखने को मिले, बट स्टिल ये मैनेजेबल लेवल है, 75-80 के आसपास यहाँ पे रहना एकदम ही खतरे की घंटी का बच जाती है, 85 प्लस जाता है 90 प्लस जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा खतरे की घंटी बच जाती है, खास करके हमारे लिए, क्योंकि हम लोग क्रूड क्या करते हैं बाहर से अभी भी यहाँ पे खरीदते हैं करके। ठीक है, तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि 80 के नीचे ही देखने को मिल रहा है, छोटी मोटी जंप्स तो यहाँ पे चलती रहती है, ये इतना कोई पैनिक वाला माहौल फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट स्टिल ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके ऊपर तो निगाहें रखनी पड़ती है बिकॉज ये डायरेक्टली इन्फ्लेशन को ट्रिगर करने की कोशिश यहाँ पे करता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन चेन, यस ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो 21,500 पे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग क्लोजेस्ट रेसिस्टेंस लेवल अगर कोई देखने को मिल रहा है तो 21,800 पे बड़े लेवल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्या
21800 को तोड़ने के लिए बुल्स या फिर सक्षम होंगे या नहीं होंगे, ये इस एक हफ्ते की देखने वाली बात रहेगी। एंड हर एक 100 की बात करें, 800 के बाद 900 की बात करें, एंड उसके बाद तो 22000 पे तो पूरी दुनिया ही यहाँ पे ताकत लगाएगी बुल को रोकने के लिए, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा होल नंबर यहाँ पे रहता है उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हम लोग को रेसिस्टेंस देखने को मिल जाता है। बट ये ठीक है, ये ट्रेडिंग वाला खेल हमेशा यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा गया तो 20, 22, 25, 30, 40, 50 कभी ना कभी तो ब्रेक होते हुए देखने को मिलेंगे, तो शॉर्ट टर्म में खेल तो यहाँ पे चलता रहता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।